मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक कॉलेज के पास चाकू मार कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान पहला आरोपी आदित्य त्रिभुवन 19 साल है, जबकि दूसरा आरोपी खलफम सैयद 20 साल है और मृतक की पहचान मुदस्सिर शेख 21 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी आदित्य का एक लड़की से प्रेम संबंध था और ये उस पर भी शक किया करता था। इसकी प्रेमिका की दोस्ती मुदस्सिर से भी थी। इसी शक की वजह से दोनों आरोपियों ने प्लान बनाकर मुदस्सिर पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूनिट 6 क्राइम ब्रांच मुंबई, इन्होंने एक अच्छा डिटेक्शन किया है। चुनावट्टी पुलिस स्टेशन में एक सीआर नंबर 26/23 302/34 अंतर्गत एक गुना दाखिल था। इसमें 21 वर्षीय युवक की दो अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी थी। हमने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन यूनिट 6 ने स्टार्ट किया था। उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस बेस पे दो आरोपियों को आज हिरासत में लिया है। वो दो आरोपियों इसकी 20 साल की उम्र और 19 साल की उम्र। ये दो आरोपियों को हमने बेसिक तपास में ये पाया है कि इन्होंने प्रेम जो उनका जो लड़की के साथ उनका अफेयर था, उसके वजह से उन्होंने वो लड़के की हत्या की है। बाकी हम उनकी पूरा इंट्रोगेशन कर रहे हैं और लोकल पुलिस स्टेशन को ये पूरे दो सस्पेक्टेड आरोपी जो हमने ताबे में लिए हैं उनको हम हैंडओवर कर रहे हैं। इनका क्रिमिनल कुछ रिकॉर्ड है क्या पुलिस? अभी तक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको उनसे लेना बाकी है। हम पूरा रिकॉर्ड चेक करके बाद में डिटेल बताते हैं। ऑफिसर कब तक दिए? सर इन साथ से सर बोले सर मर्डर वेपन रिकवर हुआ है आपके पोजेशन में है? अभी जस्ट आरोपी हमने हिरासत में लिए हैं, बाद में पूरा उनका क्वेश्चन होके उनको ऊपर जो जो एविडेंस है हम कलेक्ट करेंगे।